नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। योगिनी एकादशी 17 जून को मनाई जाएगी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन अर्चना और साथ ही कथा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर होता है और इसी के अनुसार आपको फल भी मिलता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये है व्रत की महिमा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए एक जहाज के समान है और सब प्रकार के पापों का नाश कर मुक्ति दिलाने वाला है। इसके प्रभाव से गोहत्या तथा पीपल के पवित्र वृक्ष को काटने जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रती भक्त का भयंकर कुष्ठ रोग व्रत के प्रताप से दूर हो जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को रखने से प्राप्त होता है। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण करने और मोक्ष प्राप्ति में भी यह व्रत फलदायी है। अब जानते हैं व्रत की विधि और पूजन की पूरी विधि कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निर्वक्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर चंदन रोली धूप दीप पुष्प से पूजन और आरती करें। पूजन के बाद याचकों एवं ब्राह्मणों को यशाशक्ति दान दक्षिणा दें। अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगाकर दीप जलाकर और प्रसाद का वितरण कर व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक के अलकापुरी नगर के कुबेर नामक राजा भोलानाथ का बड़ा भक्त था। चाहे जो परिस्थिति हो, भगवान शिव की पूजा अर्चना करना कभी नहीं भूलता था। वही हेम नामक माली प्रतिदिन पूजा के लिए फूल देता था। एक दिन फूल तोड़कर ले आया, लेकिन पूजा में समय था, इसलिए ये सोचकर उसने अपनी पत्नी के साथ रमण करना शुरू कर दिया। इधर जब पूजा बीतने के बाद भी माली फूल लेकर नहीं पहुंचा तो कुबेर राजा को क्रोध आया और उन्होंने पत्नी वियोग का उसे श्राप दे दिया। साथ ही कोढ़ग्रस्त होकर धरती पर विचरण करने का भी श्राप दे दिया। इधर धरती पर आने के बाद कोढ़ और भूख प्यास की पीड़ा के बावजूद वो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुटा ही रहा। एक दिन घूमते घूमते महर्षि मार्कंड के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि को उसकी स्थिति पर बड़ी ही दया आई और उन्होंने माली को योगिनी एकादशी करने को कहा। महर्षि के बताए अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से माली को श्राप मुक्ति मिल गई, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें।